सांकर में जरूरतमंद अफराद में जायदुल मियाद राशन देने का इंकशाफ हुआ है। जायदुल मियाद राशन झोल टंडो आदम के इलाकों में तकसीम किया गया। इसी पर मजीद जानेंगे। इलियास अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास, ये बताइएगा किसकी जानिब से ये राशन तकसीम किया गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई इन जो लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया उसके बाद? जी, हुकूमत सिंध की जानिब से गुज़श्ता रोज टंडो आदम और झोल के मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया हुकूमत की जानिब से। और राशन जब खुला है तो उसके बाद वहाँ के मकीनों ने जो है वो उस पर एहतजाज करते हुए और वो सामान दिखाते हुए बताया कि ये राशन जो है वो जायदुल मियाद है। और उसमें ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर के लोग दिखा रहे हैं मुजाहरीन के उसमें जो चाय की पत्ती है उस पर जो तारीख लिखी हुई है वो 13 साल पुरानी है, उसकी डेट एक्सपायरी जो है। इसी हिसाब से लोगों का मौकफ ये था कि यहाँ पर जो चावल और दालें और दीगर जो चीज़ें दी गई हैं वो भी नाकस हैं और उनका वजन भी जो है वो मौजूदा मकदार से जो है वो कम है। लिहाजा इस सूरत हाल के बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर सांगर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने जो है वो नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे उन जगहों पर कार्रवाई की है जहां से वो सामान जो है वो लिया था। और उस ठेकेदार को जो है डीसी साहब का मौका भी है कि हमने बैन कर दिया है और उसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। देखो ये आपको खोल देगा, कीड़े मकोड़े इसमें है। गरीब है तो हमको हम हक दो ना, नहीं तो खाने भूखे नहीं हम, पेट हालत भरेगा हमारा गरीब का। भाई मेहरबानी करे, कोरोना का तो बची दा दो, इनका कौन बचा दा दो, जो मेहरबानी करे दियो तो सही तरीका दियो, मारो तो ना।